नमस्कार दोस्तों, सौर्य और यहाँ पर निधि के बीच में बहुत बड़ा वाक्य देखने को मिलेगा, जहाँ पर सौर्य इस समय निधि से लड़ता हुआ नजर आ रहा है कि मॉम आपने मेरे लिए क्या कुछ किया है, मुझे नहीं लगता आप मेरे लिए कुछ कर पाओगी, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह और होते तो सब कुछ करते, लेकिन एक बात बताओ, राजवीर को सबने सपोर्ट करा लेकिन तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हर हालत में जिता कर छोड़ोगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस समय कंडीशन एक नहीं बल्कि समय घने ही ज़्यादा दिलचस्प टूस्ट लाकर आती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आखिरकार पूरी तरीका से पूरा सस्पेंस लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये एक रियलिटी है, ये एक बेहद बड़ा सच है, ये एक ऐसा सच है जो कभी ना छुपाए से छुप सकता, ये एक बेहद बड़ी रियलिटी ही है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्रीता का भी आगमन होता हुआ नजर आने वाला है और प्रीता और निधि का फिर से फेस टू फेस एक दूसरे के लिए सामना होने वाला है। हालांकि दोस्तों बात की जाए सौर्य की, तो सौर्य का भी जैसे ही प्रीता के सामने आमना सामना होगा, सौर्य की ममता फिर से प्रीता के लिए जागती हुई नजर आएगी। ना जाने क्यों कि जब जब सौर्य प्रीता को देखता है उसमें अपनी माँ की छवि फिर से नजर आती है। हालाँकि वो ये जानता है कि ये राजवीर की माँ है, फिर भी उसे ना जाने क्यों एक अपना सा लगाव होता है दोस्तों प्रीता के साथ में। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी वास्तविक एक नहीं बल्कि समय कई मायनों में बेहद ज़्यादा खास और बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है, और यहाँ पर पूरी तरीका से सब ही अलग तरीका से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जल्दी ही करण का आमना सामना जो होगा वो होगा प्रीता के साथ में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रीता एक ऐसी शख्सियत भी रही हैं कि उन्होंने आज तक किसी के बारे में कुछ बुरा ही नहीं सोचा है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया।